subscribe to Yogacharya Kokran Baba, press the bell icon to never miss any latest update. मैं योगाचार्य खोकन बाबा आज जो टॉपिक लेके बात करेंगे वो टॉपिक है शीतोली प्राणायाम। पहले मैंने कई प्राणायाम देखा है लघु प्राणायाम, क्योंकि लघु प्राणायाम 8 किस्म का होता है, सूर्य भेद उज्जयी भस्त्रिका भावनी मूर्छा प्लावनी शीतकार शीतोली। तो आज जो बात करेंगे वो है शीतोली प्राणायाम। ये शीतोली प्राणायाम किस लिए हम लोग करते हैं? ये शीतोली प्राणायाम हमारा जो मुनि ऋषिगण पहाड़ों जंगलों में ध्यान धारणा करता था उस टाइम उसका एक चीज लेके बहुत सोचा, ये यहाँ पे तो पहाड़ों जंगल में पानी कहाँ में मिलेगा, पानी का तो कोई है नहीं, तो ये सोच के उन लोग ये शीतोली और शीतकार ये दोनों प्राणायाम आविष्कार किया। किस लिए? पानी का प्यास बुझाने के लिए। ये शीतोली प्राणायाम करने से आपका पानी का प्यास बुझ जाएंगे। तो आइए पहले मैं शीतोली प्राणायाम कैसे करना पड़ता है आप लोग शांति से पूरा ध्यान लगा के देखिए, ज्यादा कठिनाई नहीं है, एकदम इजी। तो मैं अभी शीतोली प्राणायाम करने जा रहा है, आप लोग देखिए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं या पद्मासन करके भी बोल सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ये है स्टार्टिंग पोजीशन। अगर आप लोग नहीं सके तो इसको पैर नीचे देके भी कर सकते हैं, ये मोस्ट इजी। तो आइए मैं पद्मासन में दिखा रहा है आपको। पहले अपना जो मुंह, ये मुंह मैं कैसे कर रहा हूं ये पहले देखिए। पहले जो मुंह है और जो टांग है, ये टांग को क्या करते हैं ये देखिए। अब मैं क्या करूं, ये मुंह से हमारा टांग जो है इससे मैं यार लेंगे, जितना सके ऑक्सीजन हम ले लेंगे, पूरा यार ले लेंगे। यार लेने के बाद में वो अंदर में ले लेंगे, अर्थात कुंभक करेंगे। मैंने तो पहले कहा है श्वास लेने को कहते हैं पूर्व, सांस लेकर रुकने को कहते हैं कुंभक, और सांस छोड़ने को कहते हैं रेचो। तो अब मैं पहले पूर्व करेंगे, किस तरह मैं जो टांग दिखाया आप सभी को, ये टांग से मैं सांस लंबे सांस लेंगे, लेके वो हम अंदर में रखेंगे, ये 8 या 10 सेकंड। रखने के बाद में मैं नाक से, दोनों नाक से ये सांस को निकाल देंगे। और ये करने से आपका क्या फायदा मिलेगा वो हम करने का टेक्निक क्या आप लोग देखिए पहले, उसके बाद में हम बताएंगे। तो आइए मैं टेक्निक, आप क्रिया शुरू करें। क्या क्रिया? शीतोली प्राणायाम। तो देखिए मेरा मुंह देखिए, अभी क्या करूंगा मैं सांस लूंगा, देखिए कैसे सांस लेता है। तो मैं क्या पहले मैं मुंह से सांस लिया, टांग को कैसे किया है मैंने वो भी आप लोग देख लिया। सांस लंबे से लूंगा, लेने के बाद में कुछ टाइम अंदर में रखेंगे और दोनों नाक से हम सांस निकलेंगे। इसलिए मैं अंगुली से आपको दिखा दिया, मैं अर्थात सांस मैं निकाल नाक से निकाल रहा है, इसलिए मैं अंगुली से आपको समझाने के लिए आप लोग को दिखाया। और एक बार देखिए, इस बार ध्यान से देखिए, आप लोग जरूर समझ गए आप लोग। पहले मैं टांग से सांस लंबे सांस लेंगे, उसको अंदर में रखेंगे 8 या 10 सेकंड, उसके बाद दोनों नाक से मैं सांस निकालेंगे। अभी मैं कहती हूं इस क्रिया करने से क्या फायदा मिलता है,
ये क्रिया करने से आपका पहले तो प्यास बुझेगी, पानी का जो प्यास वो बुझ जाएंगे। ये क्रिया करने से पानी का प्यास बुझ जाएंगे। आप लोग करने का टाइम में देखिएगा, गले के अंदर में जब सांस ले रहा है ठंडे हो जाए, जैसे पानी पीने से गले के अंदर ठंडे लगते हैं, ठीक उसी तरह यार लेने के कारण हमारे ठंडे लगते हैं। ये हमारा मुनि ऋषिगण बनाया है श्वास के पानी का प्यास बुझाने के लिए। उसके बाद जिसका शरीर में जलन होती है, खुजली होती है, वो सब दूर हो जाएंगे, थोड़ा होते हैं, क्योंकि ये क्रिया करने से हमारा जो खून जो है, जो ब्लड है, इसको रिफाइन करते हैं। और जिसका बॉडी में हमेशा के लिए दिमाग चढ़ जाते हैं, खून गर्मी रहते हैं, बातों बातों में गुस्सा हो जाते हैं, वो तो उसके लिए बहुत ही फायदा होगा। किस लिए? माइंड को कूल करेगा, बॉडी को कूल करेगा, ठंडे करेगा, बॉडी पूरा बॉडी को ठंडे करेगा और ब्रेन को भी कूल करेगा। बातों बातों में गुस्सा हो जाते हैं, फटक से किसी को मार देते हैं, ऐसे कुछ हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाते हैं खून चढ़ने से। तो इसीलिए ये क्रिया बहुत सिंपल क्रिया है। और बार आखिर में और एक बार आप लोगों को समझा रहा है, दिखा रहा है, अच्छा तरह से देख लीजिए। पहले मैं मुंह, उसका बाद आप क्या करो, अर्थात हम मुंह से लिया श्वास लेने का बाद में 8 या 10 सेकंड अंदर में रख दिया श्वास को, और दोनों नाक से हम निकाल दिया। और एक बात है, ये क्रिया आप दिसंबर महीना, जनवरी महीना, 2 महीना नहीं करना चाहिए। और जिसका सर्दी ज्यादा लगते हैं, ठंडे लगते हैं, उसको भी नहीं करना है। अगर करना है तो किसी रूम में खिड़की उड़की लगा के पूरा रूम को बंद करके उसके बाद में ही करना चाहिए। और याद रखिएगा, दिसंबर जनवरी महीना करना मना है, लेकिन आप सही तरीके से बाहर का कोई हवा, बाहर का कोई यार अंदर में रूम में ना आ पाए, उसी रूम में आप कर सकते हैं, खुला मैदान में या नदी का कंधरा में उससे नहीं करना चाहिए। और जिसको ठंडे का दोष है, ठंडे ज्यादा लगते हैं, उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन रूम बंद करके कर सकते हैं। तो आज के लिए यही समाप्त करता हूँ। दूसरा वीडियो मेरा 2-4 दिन में और आने वाला है। तब तक आप लोग सुखी रहे, शांति से रहे। आज यही समाप्त करता हूँ। नमस्कार।